हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आई होप सब बढ़िया मस्त चल रहा होगा। बेटा, एक पीपीटी है डॉक्टर राज सर का, तो मैं उन्हीं का पीपीटी से आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो डाई सॉकेट वन ऑफ द मोस्ट, आजकल मैं बात करूँ तो पूछा जाने वाला टॉपिक है, या फिर आप बात करो मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में तो आता नहीं है, 4 मार्क्स में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और डाई सॉकेट क्लिनिकल व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डाई सॉकेट। ड्राई सॉकेट, देखो सॉकेट ड्राई हो चुका है, अब जहाँ पे ब्लड क्लॉट बना था वो ब्लड क्लॉट ड्राई हो चुका है। बताया जाता है कि भाई ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल प्रोसीजर है, ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, और बट इजी टू ट्रीट इन डेंटल इमरजेंसी, दैट इज ड्राई सॉकेट। ये बता कब है, ड्राई सॉकेट का सिम्टम कब होता है, जब टूथ एक्सट्रैक्ट होता है, जब दांत आपके निकलते हैं तो उस समय इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, डॉक्टर्स का फॉलोअप आपको बहुत जरूरत पड़ता है। ओरल सर्जन, जो ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जन होते हैं या डेंटिस्ट होते हैं, जो इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है? होता क्या है, देखिए ये टूथ था, इस जगह निकला, यहाँ ब्लड क्लॉट हुआ, लेकिन यहाँ सॉकेट ड्राई हो चुका है। तो ड्राई सॉकेट का दूसरा नाम होता है बेटा एल्वियुलर ऑस्टाइटिस। ऑस्टाइटिस मतलब बोन और उसका इन्फ्लामेशन, तो बोन का इन्फ्लामेशन भी होता है। ये एक डेंटल कंडीशन होता है जिसमें परमानेंट टूथ जो होते हैं अगर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पेनफुल सिम्टम आने लगता है। जब क्लॉट जिस जगह पे होता है वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब सॉकेट ये बना था, ये सॉकेट था, यहाँ से ये टूथ निकाला गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये टूथ बाहर आया, ये सॉकेट हो गया खाली, सॉकेट हो गया ड्राई। और जब सॉकेट हो गया ड्राई तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका टूथ के अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे कि वुंड हीलिंग में इम्प्रॉपरली वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी। नॉर्मली जो ब्लड क्लॉट बनता है टूथ एक्सट्रैक्शन के साइड पे, वो सर्व करता है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अंडरलाइंग बोन। ये जो ब्लड क्लॉट है या नर्व एंडिंग पे इम्प्टी सॉकेट के अंदर में, वो एक अंडरलाइंग बोन के अंदर में वो क्या करता है, एक सिम्टम की तरह एक्ट करता है, वो प्रिजर्व करने का काम करता है। क्लॉट प्रोवाइड करता है कि नया बोन बन सके उस जगह पे। अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो नया बोन ही नहीं बन पाएगा, और जब नया बोन नहीं बन पाएगा तो सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ कैसे होगा उसके ऊपर, ठीक है? तो होता क्या है एक्चुअली में, इसकी वजह से अंडरलाइंग बोन क्या रहा है, बोन खाली रह गया, ये बोन तो खाली रह गया, इसके अंदर क्लॉट बना नहीं, अब ये बोन क्या हुआ, डेन्यूडेड रह गया। डेन्यूडेड बोन रह गया, अब अगर डिन्यूडेड बोन रह गया, न्यूड बोन रह गया वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाया। और जब ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाया, सॉफ्ट टिश्यूज को कवर ही नहीं कर पाया, सॉकेट खाली है, नर्व एंडिंग खाली है, तो वहां क्या होगा, बार बार कुछ भी टच होगा बहुत भयानक पेन होगा। और बहुत, सच में मान के चलिए, बहुत भयानक पेन होता है। नॉट ओनली द सॉकेट बट वो नर्व जो है कान के पास, आंख के पास, पूरे सर में, ये जिस साइड में होगा ना पूरा एरिया में दर्द होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बोन का इन्फ्लामेशन, और फूड डेब्रिज वहाँ पे खाना जा जाके बार बार फंसेगा और तब पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि सॉकेट ड्राई रहता है तो पेन यूजुअली 1 से 3 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। जिस दिन आपने दांत निकाला, मान लो आज आपने दांत निकाला मंडे को, तो मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे थर्सडे तक उसको अगर सॉकेट ड्राई रहेगा तो उसको पेनफुल सिम्टम्स आ जाएंगे, पेनफुल सिम्टम्स उसको आने चालू हो जाएंगे। तो ड्राई सॉकेट जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जनरली ये विजडम टीथ जो निकलता है ना, द थर्ड मोलर, ये जब निकलता है तो इस कंडीशन में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और बहुत बार यहाँ पे जब पेशेंट क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा तो वैसे तो आप डॉक्टर सचदेवा सर के यहाँ जा सकते हो जो अशोक विहार में है, ठीक है? वो इमीडिएट ड्राई सॉकेट का ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एट द टूथ एक्सट्रैक्शन साइट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाया। ये देखो यहाँ पर, यहाँ तो बन गया था ब्लड क्लॉट, यहाँ फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं हुआ है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बोन डेड रहेगा। तो कॉज क्या होगा, ड्राई सॉकेट बनने के पीछे का रीजन क्या होगा, ए ड्राई सॉकेट इज कॉज बाय पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है? बहुत ज्यादा, थोड़ा या बहुत ज्यादा ही ब्लड क्लॉट
नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में ड्राई सॉकेट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर टूथ इज एक्सट्रैक्टेड। जनरली हमारा सबसे पहला जो प्राइमरी हीलिंग का प्रोसीजर होता है उसमें ब्लड क्लॉट बन जाना चाहिए जॉबोन के अंदर में, लेकिन यहाँ नहीं बन पाता है, यहाँ ब्लीडिंग तो रुक जाती है। ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वो दो काम करता है, पहला स्टॉप करता है आपके ब्लीडिंग को, दूसरा बोन हीलिंग को स्टिमुलेट करता है। तो क्या होता है कि भाई ब्लड क्लॉट क्यों नहीं बन पाया, क्या ये दिक्कत आई? ब्लड क्लॉट जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है एंड डज नॉट फॉर्म, द बोन इज एक्सपोज्ड एंड हीलिंग इज डिलेड। बोन एक्सपोज रहेगा, हीलिंग डिले हो गए। ब्लड सॉकेट में अंदर में बैक्टीरियल मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया वहां पे कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई इन्फेक्शन रहा होगा या पेरियोडोंटल डिजीज रहा होगा या पेरिकोरोनाइटिस हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी ड्राइकॉट नहीं बन पाता। या फिर एक्सट्रैक्शन के बहुत बाद बहुत सारे पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो वो भी ड्राई सॉकेट नहीं बनने देता, इसीलिए हम एक्सट्रैक्शन के बाद एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन के जस्ट बाद आपने क्या किया, बहुत स्ट्रॉ से खींच करके एग्रेसिवली आपने मुंह को वो करके पानी ड्रैग किया है, सिगरेट स्मोकिंग करी है, या फिर आपने सक किया है किसी चीज़ को, या फिर आपने आइसक्रीम खाया है चूस चूस करके, तो इन कंडीशन में मैकेनिकली आप वहाँ पे सॉकेट को ड्राई नहीं, वहाँ पे क्लॉट नहीं बनने दे। या फिजियोलॉजिकल आपके हॉर्मोन्स उतने वीक है, पुअर ब्लड सप्लाई है, तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। जनरली क्या होता है, एज 25 से बाद वालों को इन्फेक्शन बाय पैलेडियम, ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम, ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, या स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है, या फिर प्रीवियस कोई हिस्ट्री है ड्राई सॉकेट का। तो सिम्टम क्या होगा इस पेशेंट में, बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे ही लिखना, बहुत सीवियर पेन होगा ऐसे पेशेंट को, बहुत ज़्यादा। और जब आप क्लिनिकल फीचर देखोगे तो पार्शियली एम्प्टी सॉकेट आपको दिखाई देगा, विजिबल बोन सॉकेट होगा और पेन रेडिएट होगा नेक ईयर आई एक्सट्रैक्शन साइट में, ठीक है। देखिए आप अगर देखो तो ये डेन्यूडेड एरिया आपको दिखाई देगा, अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा, वहाँ पे फूड लॉसमेंट होगा, डेवरीज होंगी और सराउंडिंग टिश्यू ग्रे कलर का पड़ना चालू हो जाएगा। अब डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोस सबसे पहले तो हिस्ट्री लेंगे, आपको पता चल जाएगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लेने से कि इंडिविजुअल का वहाँ पे टूथ का एक्सट्रैक्शन हुआ है 2-3 दिन पहले। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है कि 2-3 दिन के अंदर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा पेन और नॉर्मल ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट हुआ था कि नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा टाइम में एक्सट्रैक्शन तो नहीं हुआ था, तो ये भी एक फैक्टर होगा। पेन क्या इंक्रीज करता है धीरे धीरे, ठीक है, और टिपिकली सिम्टम जो होता है 2-4 दिन के बाद आने चालू हो जाते हैं। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा अपने पेपर में। मोस्टली जो सॉकेट होता है वो फर्स्ट वीक में विद इन द सॉकेट ऑफ एक्सट्रैक्शन में हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि पेशेंट कैसे अपीयर होगा, आप क्लिनिक में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब इसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, सिम्टम्स पेन बहुत ज़्यादा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, आप जैसे ही पेशेंट आए आप वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट करवाइए, वापस से इरिगेट कीजिए सॉकेट को, फूड डेब्रिज वगैरह क्लियर कीजिए, एनाल्जेसिक दीजिए और इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट डाल करके, सॉरी मेडिकामेंट या ड्रेसिंग पैकेजिंग करके उस एरिया को जो एक्सपोज्ड बोन है उसको कवर कीजिए, ठीक है, ये इमीडिएट रिलीफ दे देगा। ड्रेसिंग जो होता है वो फ्यू डेज तक आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है और एक ड्राई सॉकेट का पेस्ट आता है जो कि यूजिनॉल ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, क्लोव ऑयल यूजिनॉल ड्रेसिंग, ये आप दे करके उसको ट्रीट कर सकते हैं यूजिनॉल ड्रेसिंग, ठीक है। आपने क्या किया, एम्प्टी सॉकेट था, आपने क्या किया, गौज लिया, वापस फ्रेश ब्लीडिंग कराई, फ्रेश ब्लीडिंग करा करके जेल फोम लगा दिया और जेल फोम लगा करके वापस पेशेंट को भेज दिया। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दीजिए पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा PRF प्लाज्मा रिच फिब्रिन जो कि एक एजेंट होता है उसको आप दीजिए। PRF डज नॉट रिएक्ट हैव रिएक्शन लाइक एनाल्जेसिक क्योंकि ये पेशेंट के ब्लड से ही रिएक्ट होता है, तो एनाल्जेसिक इंटेक्ट के लिए बोलिए पेशेंट को। उसके अलावा आप लेजर भी कर सकते हैं, लेजर भी आजकल बहुत बेनिफिशियल ड्राई सॉकेट मैनेजमेंट में, लेजर बायो स्टिमुलेशन करके भी आप सेफ मेथड है डिक्रीजिंग द स्टिमुलेशन ऑफ पेन। आर देयर होम मेड रेमेडी, नो, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है, बस पेन मैनेजमेंट के लिए होता है, बट डेंटल प्रोफेशनल के पास आपको जाना चाहिए। उसके बाद कोल्ड कंप्रेस आप कर सकते हो 15 मिनट तक, ठीक है, साइड ऑफ द फेस जिस साइड है, रिंसिंग सॉल्ट वाटर से टू रिमूव द फूड डेब्रिज एंड क्लोव ऑयल उस एरिया में लगा सकते हो और फॉलो अप विजिट बार बार करना होगा पेशेंट को रिकवरी के लिए, ठीक है। एवरेज हीलिंग टाइम 7-10 दिन का होगा जिसमें सॉकेट हील हो जाएगा। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, एक बार ब्लीडिंग फ्रेश ब्लीडिंग करा करके अगर आपने फिर से उसको हील करने की कोशिश करी दैट्स अ गुड, उसका हीलिंग होता है। तो ये कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना होगा और बाकी आप डॉक्टर सचदेवा सर के पास जा सकते हो, रजत सचदेवा इनका नाम है, तो अभी यहाँ पे जाकर के
अशोक बिहार में इनके क्लिनिक है, आप यहाँ पे भी विजिट करके चेकअप करा सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ पाया होगा ड्राई सॉकेट की कहानी। बाकी डिटेल में लेकर के आएंगे, इसके क्या क्या नाम होते हैं वो भी एक लेक्चर में लेकर के आएंगे अपन, ठीक है।